है, कुछ भी नहीं है, हमें वॉलीबॉल कोर्ट मार करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक हम सीधी रेखा लेते हैं 18 मीटर की, कितने मीटर की, 18 मीटर की, जिसको ए और बी मान लेते हैं। लेकिन इसको मार्क करते समय देख लेते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा, कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग है, या कोई ऐसा होता है कि बिल्डिंग बनी हुई हमारे कॉलेज की, ठीक है ना। तो ये सब उसमें ट्रिक्सी है, तो अगर हमें इसका रेफरेंस पॉइंट लेना है तो हो सकता है हमारा टूर थोड़ा सा हम डायगोनल ले सकते हैं। तो हमारी सड़क है, बिल्डिंग है, उसको देखते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है, डायगोनल बनी हुई है, सीधी बनी हुई है, तो उस हिसाब से भी हम कोर्ट बहुत जगह मैंने करते हैं। तो हमने जो स्ट्रेट लाइन है हमारी वो हमने 18 मीटर की ले ली, सिंपल सा है। और दूसरी लाइन कितनी होती है हमारी, 9 मीटर। जब हम 18 का स्क्वायर करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो डायगोनल निकल के आता है बेसिकली वो 20.12 मीटर आता है। इसको फुल डायगोनल होते हैं, जो हमने अभी पहले निकाला था 12.72 वो हाफ डायगोनल था, ये फुल डायगोनल है। लेकिन फुल डायगोनल जब हमने पहले कोड बनाया था तो वेरीफाई करने के लिए फुल डायगोनल का हम मार्क करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो वेरीफाई करने के लिए हो, जब हमने अपना कोड बनाया था आपने पिछली बार, तो ये हम यहां से लेके यहां तक चेक करते हैं कि जो कोड है वो एक्चुअल में सही है कि नहीं है। यहां से मिला के देखा ये वाला 20.12, ठीक है, जो हमारा हाफ था, हमारा जो हाफ डायगोनल था हमारा वो 12.72, तो हमने 12.72 से मार्क किया था, लेकिन जब वेरीफाई किया हमने तो 20.12 से वेरीफाई किया। वेरीफाई करना इसलिए जरूरी है कि पता चले कि आपने जो कोड तैयार किया है वो सही है कि गलत है। जब भी आप कोड बनाएं फुल डायगोनल से तो हाफ डायगोनल से वेरीफाई करिए, और हाफ से बनाया तो फुल से वेरीफाई करिए, वेरीफाई जरूर करिए, उससे पता रहता है कि आपके कोड में कितनी एरर है या कितनी गलतियां हैं या नहीं। अब हम इसी में आगे चलेंगे कि हमारा जो डायगोनल डिस्टेंस आया फुल कोड का वो कितना था, 20.12 मीटर। तो यहां से 20.12 का क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे, ऐसे ही यहां से 20.12 का क्या लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। जैसे 20.12 का आर्क हमें मिल जाएगा तो यहां से 9 मीटर आर्क लगाएंगे, तो ये हमारी लाइन इधर आ गई, यहां से 9 मीटर का आर्क लेंगे तो ये हमारी यहां से आ गई, और फिर इसको मिला देंगे तो 18 मीटर हमारा ही आ गया। तो ये हमारा फुल डायगोनल से हमारा क्या हो गया, कोड तैयार हो गया। लेकिन अब हमें इसको हाफ करना है, तो 9 मीटर पे आपने हाफ किया और इसको ही मिला दिया, ये सेंटर लाइन हमारी आ गई। पोल हमारे क्या होते हैं, 1 मीटर अभी हो सकते हैं, 50 सेंटीमीटर।